स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2018 के संबंधित बैठक महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में जीडीए सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ, नगर निगम के उप सभापति जितेंद्र सैनी सहित नगर निगम और नगर पंचायत के सभापति और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिले में स्वच्छता अभियान के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई तथा अपने वार्डों और मोहल्ले में किस प्रकार स्वच्छता की अलख जगाई जाए उस पर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ ने कहा कि नगर निगम और नगर पंचायत के किसी भी वार्ड में सफाई उपकरणों की कमी नहीं है। वार्ड के सभासद पूरी जिम्मेदारी के साथ सफाई व्यवस्था पर ध्यान दें, खुले में शौच करने से रोकें, शौचालय का निर्माण कराएं जिससे गंदगी से निजात मिल सके। उन्होंने पॉलीथीन से होने वाले दुष्परिणामों को भी बताया। एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ ने कहा कि लोग स्वच्छता पर ध्यान दें जिससे जनपद को स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रथम रैंक दिलाया जा सके। इस हाथ को जब हम पास पता चला झाड़ू ही नहीं है या खांचा ही नहीं है या ठेलिया नहीं है, ये हम लोग इसको सुनिश्चित कराएंगे और ये बहुत जल्दी ही सबके पास उपलब्ध बन जाएगी। और इनके जो ठेकेदार हैं उनसे भी बैठक की गई, उनके द्वारा भी ये बातें बताई गई कि जो जिनको साफ करना है उन्हीं के पास जो पर्याप्त सामग्री होनी चाहिए उपलब्धता कम हो पा रही, इसको भी हम लोग जो है दूर कराएंगे। नगर पंचायतों में जो बात हुई है संसाधन की कमी, खास करके जो है उनवल की बात हुई है, इसमें जो है क्योंकि अभी उनवल नया नगर पंचायत है तो आपके पास अभी जो भी शासन से राजवित्त का जो पैसा आया है आपका, चूंकि जो व्यय करने का जो वो है केवल आपके आउटसोर्सिंग से आपके यहाँ कार्मिक है, तो जो भी उसका पैसा बचा होगा उससे प्रयास कीजिए कम से कम ट्रैक्टर केला या और जो भी आवश्यक उपकरण हो उससे आप खरीद लीजिए। तो बाकी और कहीं कहीं से हम लोग स्थानीय स्तर पे देखते हैं क्या आपका हम लोग मदद कर पाते हैं, बैठा करके इसको वहाँ स्टार्ट आउट कराने का प्रयास करूंगे, स्टार्ट आउट होगा। बांसगांव ही एक ऐसा नगर पंचायत है जहाँ पे यदि जो है मोहल्ले में जाएंगे तो जगह जगह वहाँ पे मतलब काफी कूड़ेदान वहाँ पे मिलता है रखा होगा, उधर ना बिखेर करके कम से कम उसमें डालते हैं। जैसे अभी इसमें अध्यक्ष निर्देश है कि सुबह 6 बजे से 11 बजे तक सफाई हो, पहले फिर साफ कराइए और रात्रि में भी इसकी सफाई शुरू कराइए। अपना सब लोग अपने घर रखे हैं, लक्ष्मी को न करें, लेकिन रोड की सफाई के लिए कोई बात गारंटी लेंगे ना। मैं नगर पंचायत उनवल का सभासद हूँ और इसलिए मैं गारंटी बोला की बात सुन लीजिए। बार मंडल कह रहा है कि रात्रि में सड़क पे झाड़ू मत लगाइए, लक्ष्मी चली जा रही है, ये ठीक बात नहीं है। झाड़ू लगाता है दरवाजे के बाहर उस कूड़े को नहीं ले जाता है लेकिन एक जगह इकट्ठा कर लेता है। मैं जो है प्रयास किया कि जबकि जो है जनपद में डीएम साहब का भी यही मंशा है एक गेम यदि हम रखेंगे तो उसको हम रात्रि में साफ करा देंगे, रात्रि में उतने जो है ट्रैफिक नहीं रहता है और आसानी से जो भी यूज कर रहे हैं वो शासन का जो अधिसूचना है एक तो उसका उल्लंघन कदापि न होने पाए ये कर रहे हैं तो उनको मना करने की आवश्यकता है। और जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं जब कार्यक्रम समाप्ति के बाद जो उसका जो जितने गार्बेज है उसको कम से कम एक जगह इकट्ठा कराने की आवश्यकता है। सब्जी लेने के लिए या कपड़े लेने के लिए या बाकी अन्य चीजें के लिए वो इसको प्रयोग में ला रहे हैं, फटकार रहे थे, इसमें कोई नो राय नहीं है। नगर निगम नगर पंचायतों में हम लोगों ने कार्रवाई किया लेकिन होलसेल मार्केट में जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर थे थोड़ा शांत रहे, अपने आदत में ये है हम कहीं ना कहीं चाहे जो है घर से थैला ना ले जाना पड़े इस वजह से हम जो है उसमें ले रहे हैं सामग्री। इसमें हर व्यक्ति को हर घर को कम से कम इसको संकल्पित करने की आवश्यकता है और यदि हम अपने पर्यावरण को बचाना चाहते हैं स्वच्छ वातावरण देना चाहते हैं तो इससे जो है हमें तौबा करने की आवश्यकता है क्योंकि ये ऐसा सामग्री है यदि ये जमीन के अंदर भी डाल देंगे तो सड़े गलेगा नहीं, ये उसी तरीके से एजिटेट पड़ा रहेगा, पानी दूषित करेगा, जमीन दूषित करेगा, उर्वरा शक्ति का जो क्षरण करना है वो तो करेगा ही। यदि खुदा ना खास्ता कभी कोई इसको आग लगा दिया गट्ठर में तो उसके द्वारा जो धुआं निकला जो उसके केमिकल निकले बाकी और निकले वो जो है उस परिवेश के लिए उस परिवेश के लिए काफी हानिकारक सिद्ध होते हैं तो इस पे जो है चिंतन करने की आवश्यकता है, मनन करने की आवश्यकता है। इसको जो है ढाल लें